वीरवार की सुबह अलर्ट इंडिया न्यूज की टीम ने फायरिंग से प्रभावित गांव बोबैया और करोल में लोगों का हाल जाना। बोबैया के ग्रामीणों ने पाकिस्तान द्वारा सीज फायर का उल्लंघन करने पर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन भी किया। ग्रामीणों ने देश की सरकार के खिलाफ भी अपना रोष जताया। ग्रामीणों की मांग थी या तो सीमा पर रहने वाले लोगों को सुविधा दी जाए, नहीं तो उन्हें वहां से बाहर बसाया जाए। जहाँ बाबा जी का एक भंडारा चलता है 3 जनवरी हर साल को, बहुत बड़ा भंडारा होता है और हज़ारों की संख्या में जहाँ लोग इकट्ठे थे उस समय, जैसे मैं जहाँ 4:30 ही पहुँचा था कठुआ से, तो मुझे पता चला कि छोटी फायरिंग शुरू हो गई है। तो मैंने उस समय देखा कि हज़ारों की तादाद में हमारे बच्चे भी वहाँ थे, तो मैंने बहुत इनको सभी को बुज़ुर्गों को बोला कि फटाफट बच्चों को यहाँ से निकाल दो, क्योंकि पाकिस्तान की कोई पता नहीं कि कब कहाँ बाहर फेंकते। तो हमने बच्चे औरतों को बहुत मुश्किल से बाहर निकाला और हमारा भंडारा भी बीच में छूट गया। उसके बाद की बात यह है कि जो प्रशासन है ना, तो प्रशासन ने अभी तक हमारे यहाँ पशु भी जख्मी हुए हैं घरों में भी, तो प्रशासन भी जहाँ तक सरकार का सवाल है कि पिछले 3 साल से हम यही सुनते आ रहे हैं कि माहौल ठीक हो जाएगा, माहौल ठीक हो जाएगा, बॉर्डर के लोगों के लिए शेल्टर बनाई जाएगी। जैसे कल शाम को हुआ तो इनके रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था और फायरों के बीच में इन्होंने अपने बच्चे, जो हम बॉर्डर वालों ने अपने बच्चे भी अपने घरों में रखे, रिस्क लिया। जिस तरीके से आप देख सकते हो गांव में कई घरों के ऊपर शैल गिरे हैं और उसके नीचे बच्चे सोए हुए थे और शैल की इतनी बात थी कि मोर्चे की बात करती है सरकार की, हमने मोर्चे सेंक्शन कर दिए, मोर्चे कोई सॉल्यूशन नहीं है। किसी आदमी का दिल बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है, लेकिन कोई बुजुर्ग भी होता है, कोई बच्चे भी होते हैं। जब फायरिंग चल रही हो मोर्चे में बेशक बंदा गुस्सा हो, लेकिन वो सॉल्यूशन नहीं है कि फायर चला तो आप मोर्चे में घूम जाओ। सारा दिन फायर चलेगा तो मोर्चे में परिवार लेके कैसे बैठा रहेगा आदमी। ये एक गलत है सरकार की सोच। सरपंच साहब, कितने मोर्चे जो अभी तक बनाए गए गवर्नमेंट की तरफ से? सिर्फ आश्वासन और घोषणाएं हुई है, बड़ा कोई नहीं है। 3 साल से आश्वासन और घोषणाएं हो रही हैं। अभी अगले दिन मैं पढ़ रहा था कि हमारे MP जो हैं, जो PMO में मंत्री भी हैं, वो राजनाथ सिंह से मिले हैं और 13,000 बाढ़ का पैसा रिलीज कर दिया, लेकिन आज दिन तक अगर BDO को पूछो उसके पास पैसा नहीं पहुंचा, अगर DC को पूछो उसके पास पैसा नहीं पहुंचा। कहते तो हैं कि हम बनाएंगे, लेकिन सिर्फ आश्वासन और घोषणाएं हैं, बना किसी का नहीं है। ये पूरा गांव बोबैया जहां 100 घर है, एक भी नहीं बना। इससे पहले टॉयलेट्स के लिए हमने डिमांड की थी, जब 2014 में बहुत फायरिंग हुई थी तो टॉयलेट की घोषणा हो गई, सिर्फ 196 बनी, बाकी की 1125 बननी थी। आज दिन तक वो भी 2 साल से काम बंद है। तो इस तरीके जैसा माहौल बना है, मैं अभी देख रहा था कि हमारी माँ बेटियाँ जो है खुले में सोच के लिए जा रही हैं। तो ये इस तरीके से सभी घर में अगर सोच के लिए टॉयलेट बना देते तो ये एक तो सेफ्टी ये तो बन जाती कि फायरिंग के दौरान बाहर ना जाना पड़ता। वो भी वहाँ भी विफल साबित हुए, 2 साल से इन्होंने फंडिंग नहीं दी है। जो सरकार में चला जाता है उसकी एक जिम्मेवारी होती है नागरिकों के लिए, एक नागरिकों के लिए कि नागरिकों को कैसे सुरक्षित रखना है, क्या उनके बारे में सोचना है। तो वाटर वेलफेयर कमेटी और वाटर के लोग जो है हमेशा से एक ही डिमांड करते आए हैं कि हमें 5 मरले जो प्लाट पीछे दे दो, कि हम जैसे ही ये सिचुएशन बने तो अपने बच्चे और बूढ़े वहां छोड़ दें। नौजवान को अगर सरकार की जरूरत है, सरकार को जो सैनिकों को जरूरत है, वो जहां पे बैठे उनका साथ देंगे। ये बोलने को बहुत कुछ बोलते हैं, हमारे PMO मंत्री हैं, उसने आज पिछले दिनों दिल्ली जाकर में भी बोला कि मैंने जे कर दिया, जो कर दिया। मैं दावे से कहता हूं कि इन 3 सालों में मुझे एक बोर्ड उनका दिखा दो कि MP फंड से कहीं कोई गली बनी है, कोई नाला बना है, कोई सड़क बनी है। अगर बॉर्डर बेल्ट में आपको दिखाई दे दे तो मैं जे कहना छोड़ दूंगा उनके खिलाफ जो बोलता हूं मैं। BJP सरकार से पहले जो बॉर्डर के हालात थे वो इस तरीके से हुआ करते थे कि थोड़ा सा फायरिंग होने पे पूरी बॉर्डर को डिस्टर्ब किया जाता था। ये अब कुछ देर से जब से ये सरकार आई हुई है तो फायरिंग का जवाब जो है अच्छे तरीके से दिया जाता है और दिया जा रहा है। पाकिस्तान फायर करने से पहले 20 बार सोचता है कि क्या हिंदुस्तान के साथ कोई शेरखानी की जाए ना की जाए। बंकर अभी तक कोई भी नहीं बना है, उसके लिए हमें ये बोला गया था कि बैंकर, आज कल भी मैं ये सुन रहा था कि 1400 बैंकर का जो परमिशन जो है आ गई है, लेकिन अभी तक यहाँ हमारे एरिया में IBPA कहीं भी बैंकर का काम जो शुरू नहीं हुआ है। बॉर्डर पे
जो हम दो बातों के लिए ये कह रहे थे कि एक तो बॉर्डर पे जो है हर गांव में बैंकर बनना चाहिए, जिससे कि जैसे रात के हालात बने कि लोग अपनी सेफ बंकरों में जाकर के बैठ जाते और बच्चों का जो ज़्यादा डर था वो कम से कम अपने सेफ जगह तो बैठ सकते। उसके लिए हमारा स्ट्रेस रहा है गवर्नमेंट पे कि ये जल्दी से जल्दी बैंकरों का काम जो है शुरू किया जाए, लेकिन अभी तक जो शुरू हुआ नहीं है। मेरा नाम तरसेम सिंह है, गाँव बबिया का रहने वाला हूँ, और जो वायदे किए थे ना आज तक हमें बॉर्डर वालों को तो एक भी वायदा पूरा नहीं मिला है। बाकी पीछे जो भी डेवलपमेंट है वो उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमारा कहना यही है कि हमें बॉर्डर वालों के लिए हमारे लिए अभी तक गवर्नमेंट ने क्या किया, बस बोलते हैं कि उनके बॉर्डर के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है, बहुत कुछ किया जा रहा है, लेकिन हमें बॉर्डर पर ग्राउंड में कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अभी तक बंकर तो हमारे एरिया में कोई नहीं बना है, और जिस प्रकार से गवर्नमेंट कह रही थी उस प्रकार से गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। हम तो बोलते हैं कि ठीक है, अगर 5 मरले का प्लाट नहीं है तो अगर हम अपना ही बना के रखेंगे तो जैसे रात को फायरिंग हुई तो हम अपने बच्चे सुरक्षित उस जगह पे छोड़ सकते थे। अभी हम बच्चों को लेके जाएं कहाँ, सर्दी का मौसम है, बूढ़े हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको लेके जाएं कहाँ, छोड़े कहाँ। कल जैसे रात को बच्चे भेजे यहाँ से भेजे और पुलिस वाले बोले अभी हीरानगर चले जाओ, हीरानगर में वहाँ बंदोबस्त नहीं है, बच्चे किसके पास छोड़ने थे, वहाँ उनका एक भी वायदा पूरा नहीं हमारे पास। सीमा पार से गोलाबारी से बबैया गांव के घरों को भी नुकसान पहुंचा, वहीं उनके मवेशी भी इस फायरिंग की जद में आकर घायल हुए हैं। करोल गांव में भी पाकिस्तान का एक मोर्टार घर के आंगन में उस समय गिरा जब परिवार के सदस्य रात को खाना खाने की तैयारी में थे, पूरा परिवार बाल बाल बचा। इसकी दहशत लोगों के चेहरों पर साफ दिखाई दे रही थी। खाना खा रहे थे तभी पड़ा है उसको 6:30-7 बजे, बहुत डरे हुए लोग, बड़े बड़े फैर गई उन्होंने। अलर्ट इंडिया न्यूज आज अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अग्रिम पोस्ट बबिया में है। यहाँ पर बुधवार को एक भंडारे का आयोजन किया जाता है, सालाना भंडारा वो होता है। यहाँ देवस्थान है बाबा बैद्यनाथ जी का और बाबा हीरानाथ जी का। इस सालाना भंडारे में यहाँ के करीब दर्जनों गांवों के लोग इकट्ठा होते हैं, भंडारे में आते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो वो जगह है यहाँ पे उनका स्थान बना है बाबा बैद्यनाथ जी का और बाबा हीरानाथ जी का। सालाना भंडारा दशकों पुराना भंडारा यहाँ पर मनाया जाता है, लोग इकट्ठा होते हैं, पूरी रस्में अदा की जाती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस समय ये भंडारा चल रहा था तो पाकिस्तान ने इस साल की शुरुआत में ही अपनी नापाक हरकत को अंजाम दिया है, सीज फायर का उल्लंघन उन्होंने शुरू कर दिया है। 3 जनवरी 2018 की जो सुबह थी भंडारे के लिए यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए थे और शाम को लोग जब भंडारा खाने के लिए यहाँ पर बैठे थे, हजारों लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे, तो पाकिस्तान ने फायरिंग शुरू कर दी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये उसी समय के यहाँ पे बर्तन पड़े हैं, अभी तक यहाँ पे ये सारा सामान जो खाने के लिए लाया गया था बिखरा पड़ा है। किस तरह की अफरा तफरी उस समय रही होगी, लोगों में किस तरह की दहशत रही होगी, बच्चे भी यहाँ पे आए थे, कुछ महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, और कितने लोग आप खुद समझ सकते हैं कि दर्जनों गांवों के लोग जब इकट्ठा किसी देवस्थान पे होते हैं तो किस तरह का माहौल बनता होगा, कितनी अफरा तफरी रही होगी। जिस जगह पे हम खड़े हैं यहाँ से चंद ही दूरी पे पाकिस्तान है जिसने कल फायरिंग कर दी है, और माहौल इतना दहशत भरा हो गया था। इस गांव के नायब सरपंच तीर्थ सिंह जी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह का माहौल उस समय था और क्या स्थिति बनी थी वहाँ पे। जी हाँ जी सर, मेरा नाम तीर्थ सिंह है। कल हमारे गाँव में भंडारा था तो उस टाइम पर कम से कम ज़्यादा नहीं तो 1500-1800 लोग आदमी खाने के लिए आए थे, जिसमें बच्चे महिला वगैरह औरतें वगैरह भी थी। लेकिन जब पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग शुरू हुई तो हमारा इतना ज़्यादा हफड़ा तफड़ी मच गई, ताकि हमें लोगों को संभालना तो दूर रहा लेकिन हमें खुद अपने आप संभालना मुश्किल हो गया। कुछ हमारा खाना जो इधर बचा रहा, हमारे जितने भी बर्तन वगैरह हैं, ट्रैक्टर वगैरह सभी इधर जहाँ पे खड़े हैं, लेकिन हम भी अब बड़ी मुश्किल से रात को जहाँ से निकले शाम को, लेकिन उसके बाद पूरी रात फायरिंग होती रही। समझते हैं आपकी हर साल भंडारा होता था, क्या इसी तरह की स्थिति पहले भी कभी बनी है? नहीं, पहले भी होते था लेकिन इस साल उस बहुत ज़्यादा हुआ, जितना पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन पहले होता था, उससे पहले फायरिंग होती थी, हम पहले ही भंडारा नहीं करते थे 3 जनवरी को, उसके बाद में करते थे। लेकिन अभी हमने सोचा कि अभी तो पाकिस्तान की तरफ से कोई फायरिंग होती नहीं है, माहौल ठीक है, तो हमने बोला कि अभी बड़े आराम से भंडारा होगा। लेकिन लोगों ने भी हमारा इतना योगदान दिया, हीरानगर तक लोग हमारे गांव के जहां पे खाने के लिए हमने बुलाए हुए थे, लोग दर्शन करने के लिए आए थे, लेकिन कई लोगों ने दर्शन जहां पे किए, कई लोग पीछे से ही भाग गए जब फायरिंग शुरू हुई। लेकिन हमारे लिए तो इतनी ज़्यादा समस्या बन गई, ताकि हमारा जो खाना बना हुआ है वो भी हमारे इधर ही पड़ा हुआ है। लेकिन अभी देखते हैं, गाँव वालों को थोड़ा बहुत बांट देंगे, बाकी तो वैसे ही चला जाएगा।
देखिए, किसी तरह का कोई नुकसान हुआ है? प्रशासन के अधिकारी क्या मौके पर पहुंचे थे? क्या माहौल रहा होगा उसमें? देखो जी, प्रशासन की तरफ से तो हमारे पास जहां तक नहीं पहुंचा, लेकिन रात को जो हमारा नुकसान हुआ, जैसे हमारे पशु वगैरह डैमेज हुए, लोगों के घर वगैरह भी थोड़े डैमेज हो रखे हैं, लेकिन अभी तक तो प्रशासन की तरफ से हमारे पास ना कोई आदमी आया है, ना हमें कोई ऐसा बाहर से कोई संदेश आया है। देखिए, बीजेपी की सरकार केंद्र में भी है, रियासत में भी है, तो बड़े बड़े वादे वो करती है कि आपके लिए बंकर बनाए जाएंगे, कुछ जगह आपको दी जाएगी, तो क्या रहा है अब तक, किस तरह का आपको? देखो जी, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, लेकिन हमारा जो ग्राउंड लेवल पर जो बात है, मैं हम तो वही बोलेंगे जो हमारे साथ बीतती है। हमें पीछे वालों का क्या लेना देना है कि वहाँ पे रोड बन रहे हैं, मोदी साहब अमेरिका के साथ अपना कनेक्ट कर रहा है या ऑस्ट्रेलिया के साथ हो रहा है, लेकिन मैं कहता हूँ कि जो हमारे बॉर्डर के ऊपर, मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर अगर आजादी है, वो कौन सी आजादी है आज तक जो हमारी जो तारबंदी के आगे जमीन है जिसको हम हल नहीं चला सकते, अपनी जमीन, अपनी जमीन के अंदर हम नहीं जा सकते हैं। मैं कहता हूँ चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट हो, एनी बॉडी कोई भी गवर्नमेंट हो, मैं कहता हूँ हिंदुस्तान के अंदर अभी भी आजादी नहीं है, गुलामी है। वो कैसा देश है जो अपनी जमीनें और किसानों की जमीनों को आज तक नहीं चला सकता है? मैं कहता हूँ ऐसी गवर्नमेंट, क्या कांग्रेस गवर्नमेंट इससे निकटी थी, उससे भी ज्यादा निकट निकली। क्या कहना चाहेंगे आप अभी, क्या कहना चाहते हैं? मैं तो कहता हूँ अगर यही ये लोग सोचते हैं कि जो सीमा पर लोग बैठे हैं वो वैसे ही हैं, मैं कहता हूँ जो सीमा पर लोग बैठे हैं उसके साथ जो हमारी सीमा सुरक्षा बल जहाँ पे बैठे हैं, कम से कम लोगों को भी पूछना चाहिए भाई बॉर्डर के ऊपर क्या हालात है, आपकी खेती बाड़ी चल रही है, पेड़ जहाँ पे बचे हुए हैं या टूटे हैं या क्या हुआ है। अगर अपना ही चलता रहेगा सब कुछ, वो मिनिस्ट्री जहाँ वो राजनाथ सिंह जी ऊपर बैठे हैं, आज तक इन्होंने कभी गाँव वालों को पूछा है? गाँव वालों की जो कमेटी होती है, मान लो कोई लंबरदार होता है, सरपंच होता है, पंच होता है, आज तक किसी ने भी आज तक ये नहीं पूछा भी क्या आपकी जमीनें चल रही हैं, वहां की वहां है या नहीं है, लेकिन ऊपर से बात होती रहती है, ऊपर से कोई टीम आती है, अपना बैठ के चला जाते हैं चाय पानी पी के, ठीक है जी वहां पे टना टन है, लेकिन लोगों को पूछो भी वहां पे टना टन है, वहां पे क्या हो रहा है? मैं कहता हूं अगर यही हालात रही तो जितनी हमारी जो जमीनें बची हुई है शायद आज भी कब्जा पाकिस्तान करेगा, कल भी इसको करेगा वो। देखिए, लोगों में बड़ा रोष है, बड़ी तीव्रता है, लोगों का कहना है कि सिर्फ बयान जारी करने से हालात नहीं सुधरते हैं, ये कह के लोगों को सहानुभूति दी जाती है कि मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना दे रही है, लेकिन जो अंदरूनी हालात हैं, जमीनी हकीकत है, लोग किस तरह से आप देख रहे हैं कि रुंधीले स्वर में अपने आप के जो बयान है वो जारी कर रहे हैं, लोगों का ये कहना है कि वो अब अपनी आजादी के लिए किसके पास जाएं, अगर सरकार भी ना सुने, लोग तो भंडारे भी नहीं कर सकते हैं, कोई रस्में भी अदा नहीं कर सकते हैं इस पाकिस्तान की वजह से, लेकिन सरकार को इन लोगों के बारे में सोचना होगा, बॉर्डर की बात को अपर लेवल पर, ऊंचे मंच पर इनको बात करनी होगी, लोगों के हालात को समझना होगा, नहीं तो आने वाले दिनों में जे लोग, इनकी क्या स्थिति बनेगी, ये भारत सरकार के लिए एक चुनौती रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अग्रिम पोस्ट से मोहन शर्मा, अलर्ट इंडिया न्यूज, बबिया गांव।